हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 11 न्यू नोटिफिकेशंस। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी मार्च और अप्रैल में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर की जाएंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अपीयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट की एक और नई अपडेट कर दी गई है, लेटेस्ट आज ही की तारीख में 6 अप्रैल को। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम 2 वीक से पहले दे चुके हैं, वो अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड। इग्नू की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया। इसके बारे में मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि ये डेट फिर से एक्सटेंड की जाएगी और 30 अप्रैल तक आपको पूरा मौका दिया जाएगा आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सॉल्यूशन PDF परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से BEd या फिर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि इग्नू की तरफ से BEd और BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए, जिसके लिए 17 अप्रैल की लास्ट डेट दी गई है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद में मई के महीने में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है फिर दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स BSc वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट्स ओल्ड BSc प्रोग्राम वाले हैं वो भी इसे चेक कर लीजिए और जो न्यू प्रोग्राम BSc G वाले हैं वो भी इसे चेक कर लीजिएगा। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे पूरा शेड्यूल दे दिया गया। जो भी स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है दोस्तों श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से। श्रीनगर रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MCA, BCA, PGDCA, CIT, CMAD एंड CBS वाले हैं, आपके लिए भी प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स MA साइकोलॉजी प्रोग्राम वाले हैं, आपका प्रोजेक्ट वाइवा वो उसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है नोएडा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके BSc और BSc G प्रैक्टिकल्स के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है फिर रांची रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। रांची रीजनल सेंटर की तरफ से भी जो भी स्टूडेंट्स BSc प्रोग्राम वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया, जिसे क्लिक करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ये नोटिफिकेशन सिर्फ BSc G प्रैक्टिकल्स के लिए दिया गया है। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले आपको SMS या फिर ईमेल के जरिए पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है फिर सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से भी MCA, BCA, MCA न्यू, PGDCA न्यू और CIT, इन सभी के लिए जो स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा BCA के प्रैक्टिकल्स के लिए यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया है। BCA के स्टूडेंट्स भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है फिर दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से MAPC और BAPC प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपका प्रोजेक्ट इंटर्नशिप की एक लिस्ट जारी की गई है। आप सभी का ऑनलाइन वाइवा वोस कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 7 अप्रैल और उसके बाद में 11 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है दोस्तों जयपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी एक लिस्ट जारी की गई है उन सभी स्टूडेंट्स की, CIT, BCA, MCA, MCA न्यू, PGDCA, PGDCA न्यू प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए अभी अपीयर करेंगे। आपके प्रैक्टिकल्स
12th अप्रैल को, 18th अप्रैल को, 19th अप्रैल को इस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो थे आप सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस। अभी बात करते हैं आपके जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं उसके लिए अलग अलग चार ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें सबसे पहले आता है पटना रीजनल सेंटर। पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स चाहें तो अपना असाइनमेंट्स ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए भी इसे जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन जमा करवाने के लिए आपको सिंपली ये गूगल फॉर्म फिलअप कर देना है और अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका असाइनमेंट यहाँ पे जमा हो जाएगा। इस तरीके से एक एक करके आप अपना सभी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। पटना आरसी के स्टूडेंट्स को अपने हर असाइनमेंट के लिए फिर से गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी वार्निंग है, जो बाकी आरसी के स्टूडेंट्स हैं आप भी प्लीज़ इसे ज़रूर चेक किया कीजिए। जब भी आप अपने असाइनमेंट जमा करवाते हैं तो उसमें जो भी नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से बोला जाता है कि आपको एक ही गूगल फॉर्म में अपने सभी असाइनमेंट अटैच कर देने हैं या फिर आपको एक एक करके उन्हें जमा करना होगा। तो ये सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। नेक्स्ट है जो वो है पुणे रीजनल सेंटर की तरफ से। पुणे आरसी की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं और यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया। आप चाहें तो अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं या फिर बाय पोस्ट या फिर खुद से जाके भी उन्हें जमा करवा सकते हैं। आपको एक ही तरीके से अपने असाइनमेंट जमा करवाने होंगे, या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बेंगलोर रीजनल सेंटर। बेंगलोर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यहाँ पे बताया गया है कि प्रेफरेबली आप हार्ड कॉपीज जमा करवाएं अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे। अगर आप जमा नहीं करवा सकते हैं तो फिर आप उन्हें बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर बाई पोस्ट भी नहीं भेज सकते तो आप उन्हें ईमेल के जरिए, अभी तक गूगल फॉर्म की बात हो रही थी, अभी ईमेल के जरिए आप अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उनकी ईमेल आईडीज यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है शिमला रीजनल सेंटर। शिमला आरसी के स्टूडेंट्स भी अपने असाइनमेंट्स ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं या फिर आप गूगल फॉर्म के जरिए अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गूगल फॉर्म के जरिए आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से जमा करवाने हैं, आपको अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, ये सब मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपकी पीडीएफ की साइज़ ज़्यादा है तो उसे कम किस तरीके से करना है या फिर आपको अपने असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं पहले ही अपने वीडियोज़ में दे चुका हूँ। तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप वो सिंपली यूट्यूब में सर्च कीजिए और साथ में टिप्स गुरु ऐड कर दीजिए, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आपको नज़र आएगी और आप वहाँ पे देख के आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ऑफर है, आप अगर टिप्स गुरु चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल मेंबरशिप दी जाएगी। जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप टिप्स गुरु से डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल टिप्स गुरु इग्नू को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।